के इस वीडियो में हम बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही बेस्ट डिजाइन के साथ है तो इनबिल्ट सबवूफर वाला एम्पलीफायर बिल्ड करने वाले, जिसे कि आप अपनी कार में आराम से लगा सकते हो और ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेगा। अगर आपकी सीट के नीचे भी 4 इंच से ज्यादा की स्पेस है तो ये वहां भी लग जाएगा, ये देखिए। और बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन में मैंने इसको आपको बना के दिखाया है। मैं देखते हैं कि इसको कैसे बनाया है मैंने। तो ये देखिए गाइज, इसके लिए आपको डिफरेंट MDF के पीस की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सारे ही मैंने 8mm में कट किए हुए हैं। तो ये देख लीजिए गाइज, आपको इस नाप के MDF के पीस को कट करवा के आना है। तो देखिए गाइज, मैंने इधर 8mm के नाप लिखे हैं। अगर आप परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप 12mm, 14mm या 16mm तक का यूज कर सकते हो। हमारे यहाँ पे 8 से अगर बड़े एमएम में आप लेते हो तो आपको रिटेल में नहीं मिलते हैं, आपको पूरी शीट लेनी होती है। इसके लिए मैं 8mm में कटवा के आया हूँ। अभी आप देखिए इस पीस को, तो देखिए इस पीस में मैंने इस प्रकार से डबल पीस लगा के रखे हैं, जिसमें कि आप एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल देख पा रहे होंगे। तो वो मैंने मेरे सब ऊपर के हिसाब से कट किया है। तो देखिए जी, अपना सब ऊपर है, अपने हमारी ड्यूल वॉइस को लाती है, इसलिए आप 4 पॉइंट दिए हुए देख पा रहे होंगे। और देखिए कितना कॉम्पैक्ट है, और जो इसका कोन है वो भी एल्यूमिनियम का आता है गाइस, ये वाला पार्ट पूरा, और ये ही सिर्फ रबड़ आता है। यकीन मानिए इससे हार्ड स्पीकर मैंने आज तक नहीं देखा है, बहुत ही हार्ड कोन है इसका। तो देखिए कार से आपको भी कट करवा के आना है। इसको कट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको दो डिफरेंट शीट लेके आनी है। पहली शीट में आपको इसकी बॉर्डर की मार्किंग लेके कट कर लेना है, और दूसरी शीट में आपको जो ये कोन का शेप है उस हिसाब से आपको कट कर लेना है। बाद में दोनों शीट को अच्छी तरह से नाप लेके आपको चिपका लेना है, तो इस प्रकार का आपका पीस बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी बॉक्स की मेकिंग देख लेते हैं, किस प्रकार से हमारा बॉक्स बिल्ड होगा। तो ये पीस हमारा इस प्रकार से रहेगा, ये दोनों पीस हमारे इस तरह से लगेंगे। अब जो हमारे ये दो पीस है वो थोड़े अंदर की ओर लगने वाले हैं, यानी कि हमारा आधा इंच छोड़ के ये पीस लगेंगे दोनों। हम हमारे बायस्टिव सर्किट के हिसाब से इसमें कट लगा लेते हैं और बाद में इसका बॉक्स बिल्ड करके सारी पैकिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस बायस्टिव सर्किट के नाप के सारे मेजरमेंट हो गए हैं। अब मैं इस पोर्शन को काट के आता हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये पूरा अच्छी तरह से कट हो गया है। अब ये देखिए अच्छी तरह से इसमें लग भी जाएगा इस प्रकार से। तो चलिए अब हम बॉक्स बिल्ड करते हैं, इन सबको हम बाद में फिक्स करेंगे, और ये हम इस प्रकार का इसका कैबिनेट डिजाइन करेंगे कि कैबिनेट कोई भी जगह से खुल नहीं पाएगा, लेकिन हम जो इसमें कंपोनेंट लगाएंगे वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे सारे, जब भी हम निकालना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैंने कच्चा बिल्ड कर लिया है, फिक्स कर लिया। तो चलिए अब इसको ड्राई होने देते हैं और बाद में देखते हैं आगे की प्रोसेस। तो ये देखिए गाइस, ये कम्प्लीटली हमारा ड्राई हो चुका है, और इसकी मैंने अच्छी तरह से सैंडिंग भी कर दी है ताकि सभी एजेस अच्छी तरह से हो जाए। तो ये देखिए एक बार आप, तो हम चाहे तो अभी इसमें सब कुछ फिटिंग करके इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। हम इसके ऊपर एक बढ़िया सा क्लॉथ लगाने वाले हैं इस टाइप का, ये आर्टिफिशियल लेदर है। तो जो मैं इस प्रकार का क्लॉथ का यूज करता था वो मिलना डिफिकल्ट होता है, सभी जगह पे वो मिल नहीं पाता है, लेकिन इसको इसका मैं बताता हूँ ये आपको किधर मिलेगा। जहाँ पे बाइक की सीट कवर रिपेयर होती है या कुर्सी सोफा वगैरह का काम होता है, वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मुझे ये 240 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं और इसके ऊपर हम ये पूरा अच्छी तरह से लगा लेते हैं। तो गाइज, इसको लगाने के लिए मैं इस केमिकल का यूज़ कर रहा हूँ, शुरू करते हैं।
देखिए अब हमारा कैबिनेट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, सारे काम इस पे हो गए जो भी करने थे। चलिए गाइज अब हम इसमें हमारा सब बूफर फिक्स करते हैं। उससे पहले हम बेस ट्यूब सर्किट को इसमें लगा लेते हैं इधर। तो देखिए परफेक्टली फिटिंग आ रहा है, तो हम स्क्रू के द्वारा इसको टाइट कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसको भी फिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह इस प्रकार से। टेस्टिंग शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हेडफोन के बिना सुन रहे हैं तो प्लीज अपने हेडफोन ईयरफोन या जो भी आपके ये डिवाइस है उसको यूज करें, क्योंकि बेस का अंदाजा सिर्फ आपको मोबाइल स्पीकर पे सुनने पे नहीं आने वाला है। तो अब आपने अपने ईयरफोन लगा लिए होंगे, तो चलिए मैं इसके कनेक्शन आपको दिखाता हूँ। तो इधर मैं 12 वोल्ट SMPS की हेल्प से पावर सप्लाई दे रहा हूँ। तो देखिए इधर हमारी लाइट आ चुकी है, बाद में हम ऑक्स केबल लगा लेंगे ताकि हम हमारा ऑडियो इन कर सके। फाइनली गाइज आपने देखी इसकी टेस्टिंग। पावर सप्लाई फिलहाल मेरे पास बहुत हेवी नहीं है, इसके लिए मैं आपको इसकी बेहतरीन टेस्टिंग जिसे हम बोल सकते हैं वो नहीं दिखा पाया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी और अच्छे से टेस्टिंग करें, इसको कार में लगा के भी देखें कि क्या है, कार में यूज करने लायक बना है कि नहीं बना है, तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट में बताएं कि आप कार में भी इसको चेक करके दिखाएं, मैं उस पर भी वीडियो 100% बना के दिखाऊंगा। तो बिल्ड में थोड़ी नॉइज आ रही है, कोई वायर टकराने की हो गई या फिर आप बास ट्यूब सर्किट लगाते हो उसकी हो गई। तो आप इसमें जो नाइलॉन का जो कॉटन आता है वो आप इसमें डाल सकते हो, उससे आपकी आवाज 99% तक बंद हो जाएगी। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब।